मई हो घर में और दही बड़े की याद आ रही हो तो आप ऐसे वाले दही बड़े भी बना सकते हो। मुझे तो याद आ रही थी तो मेरे साथ मई रखा हुआ। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बड़े, बहुत तो अच्छे लग रहे हैं, इतना बढ़िया। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं 11 बजे शुरू कर रही हूँ, 11:15 हो चुके हैं एक्चुअली। और आज तबीयत सुबह कल से ही मैंने बहुत ज्यादा भागा दौड़ी कर ली तो उसकी वजह से मेरी रात में भी बहुत तबीयत खराब सी रही और अभी भी मेरी तबीयत ऐसी खराब सी है थोड़ी, तो काम धीरे धीरे हो रहा है। 11 बज चुका मंदिर जाने में, तो हम मंदिर जा रहे हैं, आप लोग भी चलिए। और लावण्या का आगे कन्या भोजन करने आता तो मंदिर से आ जाए, उसके बाद जाएंगे, लावण्या जाएगी कन्या भोजन के लिए और चलते हैं अभी मंदिर। अभी फिर आना है यहाँ गंगाबाई स्कूल, अभी तो मंदिर चलते हैं। आ गए मंदिर, तो मंदिर से हम आ गए हैं और मैंने पूजन घर से करके चली गई थी, तो चाय बना के और फिर थोड़ा सा से रोटी खाऊंगी। रोटी खाने की इच्छा नहीं हो रही लेकिन मैं टेबलेट खाऊंगी इसलिए कर लिया, और अब ये टेबलेट खा लेती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा आराम करके फिर करूंगी कुछ भी काम। या बच्चे भी अभी आंगनवाड़ी, दो आंगनवाड़ी गए हैं और एक कन्या भोजन के लिए गई है। गोली तो मुझसे कपती नहीं है, ठीक है अभी थोड़ा फिर बाकी काम करेंगे। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और अब हुई मेरी थोड़ी तबीयत ठीक क्योंकि मैं टेबलेट खा के थोड़ा आराम कर लिया था और उठ के मैंने पानी वानी भर लिया है, पूरा गीला कर दिया मैंने, बस देख लिया ये चिल्ला चुट करेंगे तूने फिर दोपहर में गीला कर दिया। और अब मैं सोच रही हूँ ये जो सुबह खा के गए थे खाना, कह समझ में नहीं आ रहा तुम अभी गर्म देखो क्या बनाती हूँ मैं सब्जी में, या तो मैं भरता बनाऊंगी, उनके रखे हैं लेकर आए थे भरते के लिए भटे, और या फिर सलाद सोच रही हूँ मैं, सलाद अच्छी रहती है गर्मियों में टमाटरों की बढ़िया, और या फिर भजिए। अब देखती हूँ क्या चीज़ कहते हैं, रायता के लिए फिलोरी भी ला सकते हैं क्योंकि कल आया था मई हमारे घर में, तो देखो अब जो आते होंगे उसके बाद ही मैं कुछ बनाऊंगी गर्मा गर्म इनके लिए। अभी तो मैं फिलहाल थोड़ा से मिर्ची विर्ची काट के रख देती हूँ, काट के रख रही हूँ क्योंकि दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अभी गए मैंने अभी हाल पानी वानी इनके साथ ही भरा था तो अभी वो चले गए हैं बाहर, तो लावण्या भी अभी हाल लेटी हुई थी तो वो भी उठ के गई है, आ जाती फिर मिलवाती हूँ आपसे। तो ये आ चुके हैं और मैं इनके लिए बना रही हूँ रायता, बना दिया बघार दिया, ये देखिए कितना मजेदार ये रायता बन गया है। इसमें डलेगा पुदीना, अब इसमें डाल रही हूँ ये पुदीना, हरा धनिया और जीरे, राई से अच्छा उम्दा वाला बघार लगा दिया, उम्दा मजेदार। अब तो गर्मी शुरू हो गई ना इस वजह से, इस साल का पहला रायता, अब बहुत टाइम बाद खाएंगे। अब धनिया पुदीने डाल दें उसी से मजा स्वाद आता है। तो ठीक है पहले हम पति देव को खिला देते हैं खाना और फिर बनाएंगे चाय। हो चुके हैं शाम और अभी मेरे को शाम का खाना बनाना है, मैं क्या बनाऊंगी, अभी तो मैंने रायता बघार दिया था, रायता थोड़ा रखा है और भी कुछ बनाऊंगी मैं, अब लोग से शेयर करूंगी। और लावण्या कुछ लेके आई है, दिखाती हूँ, किसी कुछ लेके आई है हरे वाले पॉप्स और मुझे चिढ़ा रही है तो बना है अपन बड़े टाइप कुछ बनाते हैं ना, मैं कुछ बनाती हूँ और आप लोगों को बताऊंगी मैं कैसे बनाऊंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। क्योंकि आज ज्यादा ब्लॉग में मैं, आपको मालूम है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाई फिर मैं, लेकिन खाना तो वैसे भी बनाना, चाहे तबीयत खराब हो चाहे नहीं हो, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जो मई रखा है गट्ठा मई है बढ़िया, तो मैं उसमें ही कुछ बनाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और ये सूखी मिर्ची कूट के रखूंगी, जीरे भूंज के पीस के आपको बताते जाऊंगी, मैं सब सामान तैयार कर लेती हूँ फिर क्या बना रही हूँ आपको बताऊंगी। अभी हाल पहले मैं सामान तैयार कर लेती हूँ, ये बेसन भी रख लिया है, भूंज ले रही हूँ, भूंज के रख दूँ तो ठंडा हो जाएगा फिर इसको कूट लेंगे। सामान मैंने तैयार कर लिया, प्याज हरा धनिया और ये हरी मिर्ची है, इसमें भुंजा हुआ जीरा कुटी हुई मिर्ची और बेसन और ये मई है, मैं मई और दही ये दो चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप मई के भी बना सकते हो। गट्ठा अगर मई है तो कम खट्टा है और गट्ठा है इसलिए मतलब गाढ़ा आएगा तो अच्छे लगेंगे, और बाकी दही है तो दही का तो हमेशा इस्तेमाल करते ही है,
तो जिसके पास मई हो ना वो भी बना सकता है। गाढ़ा वाला मई होना चाहिए, जैसे ये गाढ़ा मई है। और मैं आपको बताती हूँ, केले कई बार बना चुकी हूँ और अब फिर बना रही हूँ। बना दें, मिला लेंगे सब। धनिया प्याज इसमें अटे इसमें डाल देंगे, मिर्ची मिर्ची थोड़ी डालेंगे, वो सूखी लाल मिर्ची भी डालेंगे। ये मैंने दोनों चीज़ मिक्स कर दी है इसके अंदर, ये थोड़ी है इसके अंदर जीरा और मिर्ची थोड़ी और ले लेते हैं क्योंकि हरी डाल दी है। पिसी भी डालेंगे लाल मिर्ची भी, थोड़ी सी पिसी लाल मिर्ची, ज़्यादा नहीं क्योंकि हरी मिर्ची तीखी वाली है। और नमक, नमक स्वाद अनुसार थोड़े डालेंगे। ये मैंने घोल के रख दिया, 15 मिनट तक इसे रख दूंगी। और हल्दी नहीं डाली, आप चाहो तो डाल सकते हो। रखे हुए होगा 15 मिनट, अब बनाते हैं अपन बड़े। तेल रख देती हूँ मैं, ये बड़े टाइप के भजिए निकालूंगी, उसमें मैं मिला लेते हैं। बहुत गट्ठा मई है ये, अच्छा बहुत। ये डाला इसमें मिर्ची कुटी हुई, भुंजा हुआ पिसा धनिया, भुंजा पिसा धनिया, जिस स्वाद अनुसार नमक। ये बड़े निकालने लगी, भजिए ही बन जाएंगे पूरे ये तो, भजिए जैसे ही है, बस थोड़ा सामान उसके अंदर अलग डाला है। वहीं उन्हें निकाल लेंगे बाहर, और ये गोल गोल बने। मिला देंगे अच्छे से, हो गया बिल्कुल दही की तरह मसाला। अब इसमें अपन डालते हैं भजिए, इसमें एक फायदा है, इसमें पानी में डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तल के भी डाल सकते हैं। ये कितने अच्छे लग रहे हैं बड़े, इसमें मिला दी। अब इसमें थोड़ा धनिया अपन पहले डाल चुके हैं, थोड़ा वो डाल देंगे, लेकिन एक दिया हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया। वैसे तो दही के ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मई हो घर में और दही बड़े की याद आ रही हो तो आप ऐसे वाले दही बड़े भी बना सकते हो। मुझे तो याद आ रही थी तो मेरे साथ मई रखा हुआ है, क्यों दही बड़े बाजार से मंगवाए, जितनी इच्छा है कि इतने अपन घर पे ही बना के खा लो। अच्छे मेरे को तो मैंने बना लिए, मुझे बहुत पसंद भी है। और अभी मैं थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी, अपनी भजिए भी बना लिए। तो ये हमारे मिस्टर जी को भजिए बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको तो आज मज़े आ गए, उनकी पसंद का बन गया रायता, अभी दोपहर में बनाया था, ये बन गए मई के बड़े और भजिए। और बना लेती हूँ थोड़ी सी रोटियाँ, और ये जब तक आ रहा हूँ बच्चे नीचे डाल रहे हैं बिस्तर, और फिलहाल अब मैं खाना कंप्लीट कर लेती हूँ बना के। मही बड़े, दही बड़े नहीं, ये आ चुके हैं, इन्हें खिलाते हैं करके बताओ हमने ये आज स्पेशल डिश बनाई। बाकी रोटी और चावल तो बनाए, छोटी चाची के यहाँ से आ गई है बाटी, दाल बाटी, ये ट्राई कर रहे हैं, भजिए भी हैंगे। अब इनका दही बड़े सही में स्वाद कैसा लग रही है? अच्छा लग रहा है, है ना? लौकी के साथ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने खा के देखी है ना, सूखे में ज्यादा स्वाद आ रहा है, और क्या, सूखा मसाला है ना पूरा, भुंजा हुआ कुटा हुआ पूरा दही बड़े वाला मसाला है, मई बस वो मई भी गट्टा है पता है। तो आप लोग भी जब कभी दही बड़े खाने की इच्छा हो, घर में मई होना, तो आप मई बड़े बना सकते हो, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने भी ट्राई करे थे अभी, और इनने भी ट्राई करे, वैसे ये सब अच्छी तरह की बताते हो होती है ना वही यहाँ करते हैं, तो भले थे कितनी अच्छी चीज हो, कितनी मेहनत से बनाई हो, जो कभी हाँ नहीं कर सकते। जैसे मेरी रोटी, हाँ भाई लावण्या को रुला देते हैं, क्योंकि लावण्या की रोटी इन्हें पसंद नहीं आती, इसलिए मना कर दिया तो मना ही कर देते हैं, है ना? सही बात। तो इनको भी मही बड़े अच्छे लगे, हंसते इधर हंसने में कुछ होएगा क्या, ए राज तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं दिख रही? सही बता दो, सही बता दो, पहले से सही बता, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सही लग रहा, सही लग रहा। मेहनत तो इतने चाव से बनाए, अभी 10:15 हो रहे हैं और रात हो गई, और इन लोगों ने बच्चों ने सबने खाना खा लिया, तुमने खा लिया ना? हाँ। इन लोगों ने तो जम के खा लिया, मैं तबीयत हैगी तो मैं ऐसी हो रही तो मैंने एक ट्राई कर लिया था, और इनको भी खिला दिया जो खा रहा है खाना। और आपको ये मही बड़े कैसे लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अभी का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा,
और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।